नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव आस्था सीक्रेट्स में। देव आस्था सीक्रेट्स में हम आपको भारत के विभिन्न धार्मिक स्थानों, उनसे जुड़े इतिहास और विशेषताओं के बारे में बताते हैं। इसके साथ ही अध्यात्म से जुड़ी कई वस्तु और उनसे जुड़े पहलुओं पर भी नज़र डालते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आज हम जानेंगे प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। धारी देवी को उत्तराखंड की संरक्षक एवं पालकी देवी के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग यानी सिर स्थित है एवं निचला भाग काली मठ में स्थित माँ मैठाणा नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते में श्रीनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर कलियासौड़ में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। माँ धारी देवी को केदारनाथ का द्वारपाल भी कहा जाता है। यही नहीं, क्षेत्र के लोग तो यह भी कहते हैं कि साल 2013 में केदारनाथ में आई जल प्रलय भी माँ धारी देवी के कोप की वजह से ही आई थी। इस मंदिर की लोक कथा के अनुसार धारी देवी सात भाइयों की इकलौती बहन थीं। वे अपने सात भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थीं और उनके लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनाती थीं और उनकी अत्यंत सेवा भी करती थीं। ये कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थीं, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी एक लौती बहन के ग्रह उनके लिए ख़राब हैं, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। धारी देवी के सातों भाई उनसे बचपन से ही नफरत करते थे क्योंकि उनका रंग बचपन से ही सांवला था, परंतु वे अपने सातों भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थीं। क्योंकि उनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण उनका पालन पोषण अपने भाइयों के हाथों से ही हुआ था और उनके लिए अपने भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की उनके प्रति नफरत बढ़ती चली गई, परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे और उन दोनों की परेशानी भी बढ़ती चली गई क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारी बहन के खराब ग्रहों के कारण ही हुई है। अंततः दोनों भाइयों ने अपने 13 साल की बहन का सर उनके धड़ से अलग कर दिया और उसके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित कर दिया। इस कन्या का सर वहां से बहते बहते कलियासौड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। सुबह के वक्त धारी गांव में एक व्यक्ति नदी के किनारे कपड़े धो रहा था तो उसने देखा कि नदी में कोई लड़की बही जा रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु नदी में पानी का तेज बहाव देख उसने ये विचार छोड़ दिया। अचानक नदी से बह रहे कटे सर से आवाज़ आई कि तू घबरा मत और मुझे यहाँ से निकाल, तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। ये सुनकर जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने पैर रखे वहाँ सीढ़ियाँ बनती चली गईं। उस व्यक्ति ने कटे हुए सर को जब कन्या समझ कर उठाया तो वह घबरा गया कि वह जिसे कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा सर है। और फिर से एक आवाज़ हुई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। उस व्यक्ति ने वही किया क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी यह सब कुछ किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो समझ गया कि यह एक देवी ही है। व्यक्ति ने जब कन्या के कटे हुए सर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो 13 वर्षीय कन्या ने अपने साथ हुई सारी घटना बताई। तब से उस पत्थर की पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ एक सुंदर धारी देवी का मंदिर बनाया गया। जहाँ उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। काली मठ भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहां देवी काली ने रक्त बीज नामक राक्षस को मारा था और उनके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई थी। शक्ति पीठों में काली मठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से यहां आता है तो
तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धारी देवी मंदिर के चमत्कारों की बात की जाए तो कहा जाता है कि माँ धारी की प्रतिमा सुबह एक बच्ची के समान लगती है, दोपहर में उनमें एक युवा स्त्री की झलक मिलती है, जबकि शाम होते होते प्रतिमा बुजुर्ग महिला जैसा रूप धर लेती है। कई श्रद्धालुओं की ओर से प्रतिमा में होने वाले परिवर्तन को साक्षात देखने का दावा भी किया गया है। धारी देवी मंदिर में भक्त बड़ी संख्या में पूरे वर्ष माँ के दर्शन के लिए आते हैं। धारी देवी मंदिर में मनाए जाने वाले कई त्यौहार हैं, उनमें से दुर्गा पूजा व नवरात्रि में विशेष पूजा मंदिर में आयोजित की जाती है। यह त्यौहार धारी देवी मंदिर के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र व शारदीय नवरात्रों में हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामना के लिए दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। तो यह थी उत्तराखंड स्थित धारी देवी के प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी कुछ खास जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियो के लिए देखते रहिए देव आस्था सीक्रेट्स। नमस्कार।